أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم हजरत आयतलमा जवादी आमोलफ़ल्ह की तफसर तस्नीम का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले का आज आठ फाब की खिपत में पेश किया जा रहा है सूर्य मुबारक अहम की तीसरी आयत रमानर रहीम वो ख़ुदा जो रहमान भी है और रहीम भी है क़ुरान के सुर हम कि इस आयत में ख़ुदावंद मताल के रमतों की दोस्में बयान की जा रही है एक रहमानी रहमत और एक रहीमी रहमत रहमानी रहमत यानि वो रहमत जो हर खुशक तर जो हर मोमिन काफ़िर को शामिल होती है हर एक को शामिल होती है जो आम रहमत है जबकि रहीमी रहमत खास रहमत है मोमिन के साथ मखसूस है जो सिर्फ और सिर्फ मोमिन के शामिल हाल होती है और खुदावंद मुताल इन दोनों रहमतों का मालिक है गो कि दोनों रहमतें भी खुदावंद मुताल से हम का मखसूस होने पर दलील बन रही है क्योंकि जो रहमतें दे वही ही हमद का हकीकी मालिक है वही हमद का हकीकी लायक है और ज़ात खुदावंदी ही है जो तमाम तर रहमत देने वाला तमाम तर रहमत नाजिल करने वाला है चाहे वो आम रहमत हो चाहे वो खास रहमत हो हर किस्म की रहमतों का नाजिल करने वाला ज़ात खुदावंदी है लिहाजा सिर्फ़ खुदावंदी ही हमद का लायक और उसी की ही हमद करनी चाहिए इसके बाद जवादी आमली लब यानी पालने वाले के भी दो किस्में बयान कर रहे रब जो अपने मरबूब को पाल रहा होता है और तदबीर कर रहा होता है तो अदालत के साथ रहमत के साथ अपने मरबूब की तदबीर किया करता है अपने मरबूब की तरबियत किया करता है और ऐसा मरबूब हमद का लायक है मदहसना का लायक है लेकिन इसके मुकाबले में वो रब जो जुल्म के साथ जो जहालत के साथ अपने मरबूब की तरबियत करता है अपने मरबूब की तदबीर करता है ऐसा रब मजम्मत का लायक़ ना कि हम का लायक है। और इस पर क्या दलील कि वो रब जो इल्म और हिकमत और रहमत के साथ अपने मरबूब की तदबीर करता है तरबियत करता है वो हम का लायक़ उस पर क्या दलील उस पर यह दलील कि खुदावंद मुताल इल्म के साथ हिकमत के साथ हिल्म के साथ तदबीर के साथ इस पूरे कायनात की तरबियत कर रहा है इस पूरी कायनात को परवान चढ़ा रहा है इस पूरी कायनात को नमत वजूद से नवाज रहा है और वो जो इस पूरी कायनात को इल्म और हिकमत के साथ रहमत के साथ परवान चढ़ाए वही हम का लायक लिहाजा सिर्फ ज़हात खुदाबंदी ही हम के लायक है अब तक यहाँ पर आपकी खदमत में हमद का खुदा से मखसूस होने पर चार दलीलें पेश की गई और इन चार दलीलों में चार मुख्तलिफ वास्तव को करार देकर चार दलीलें पेश की गई अलहद हमद अल्लाह ही से मखसूस है वो क्यों सबसे पहली दलील ये कि खुदा मुताल अल्लाह है यानी तमाम तर कमाल मालिक है और वह जो तमाम तर कमाल मालिक हो वही ही सिर्फ हमद का लायक है हम सिर्फ खुदा से मखसूस है वो क्यों क्योंकि खुदा आलमीन है अलहमदो आलमीन तमाम कायनात का रब है अगर कायनात की कुछ हिस्सा ऐसा होता कि उसका रब कोई और होता तो तमाम हमद को हम खुदा से मखसूस ना करते लेकिन अब क्योंकि तमाम तर कायनात का वाहिद रब सिर्फ ज़ात खुदावंदी है लिहाजा तमाम तर कायन के हमद फना का वाहिद लायक सिर्फ खुदावंद मुताल की जात है और इसी तरह इस तीसरी आयत के मुताबिक खुदावंद मुताल रहमान है रहमान है यानी उसकी रहमत हर एक को शामिल हाल होती है और जो रहमतें देने वाला हो वही हकीकी हम का लायक है और क्योंकि ज़्या खुदावंदी हमें रहमतों से नवाज रही है हर एक पर उसकी रहमत हर एक को शामिल हाल हो रही है लिहाजा सिर्फ़ ज़्यादा खुदाबंदी ही हम के लायक़ और न सिर्फ रहमान है बल्कि रहीम है चौथी दलील ये कि खुदावंद मताल रहीम है और क्योंकि रहीम है उसकी रहमत खास मोमिनिंग के साथ लिहाजा वो जो रहमत देने वाला हो रहीमी रहमत देने वाला हो सिर्फ वही ही ज़ात हम के लायक लिहाजा सिर्फ खुदावंद मताल ही की ज़ात हम के लायक़ है

खुदावंद मुताल मतलो रुबूबियत रखता है यानी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद मुताल ही मदो फना और हमद का लायक है जबकि उसके मुकाबल वो जो मद खुदावंद मुताल की रुबूबियत क्यों नक्स से हर किस्म के मनफी पॉइंट से हर किस्म के नेगेटिव सिफत से मुबर है ज्यादातर खुदावंदी में किसी भी किस्म की किसी भी किस्म का जुल्म नहीं पाया जाता सुल मुबारक ये कैफ़ की आयत फोर्टी नाइन नंबर की आयत वलाब् अहद खुदांद मताल किसी पर ज़ुल्म नहीं करता सुरफ़लत की फोर्टी सिक्स नंबर की आयत वमाब्या बेबीद खुदा वंद मताल का ज़ुल्म किसी के शामिल हाल नहीं होता खुदा मताल किसी पर ज़ुल्म के साथ बर्ताव नहीं करता और साथ ही खुदावंद मुताल तमाम तर मुस्बत सिफात, तमाम तर कमाली सिफात का मालिक है और उस खुदा की रहमानियत और रहीमियत ने तमाम तर कायनात को कायनात की चीजों को अपने लपेट में ले लिया तमाम तर चीजें तमाम तर चीजें खुदावंद मुताल की रहमत के जरिए आया है और इसी रहमानियत और रहीमियत के जरिए तमाम कायना की खुदावंद मताल तदबीर कर रहा है तरबियत कर रहा है लिहाजा सिर्फ ज़्यादा खुदाबंदी ही मत हो सना के लायक है इसके बरस इस वो वो रुबोबियत जो मजमत के काबिल है उसकी मिसाल कुरानी मस्जिद यूं बयान फरमा रहे जैसे फिरौन का अपने आप को बनी इसराइल का रब मानना रब समझना सोने नाजात की ट्वेंटी फोर नंबर क्या आयत फ़कला फिर कहता है कि रब को मलाल बनी इसराइल से कहता है कि मैं तुम्हारा परवरदगार हूँ और यह रब कहना यह मजम्मत के काबिल क्योंकि खुदावंद ही सिर्फ ज़्यादा खुदावंदी ही तमाम को पाल रहा है न अपनी रब को रुबूबियत को दिखाने के लिए दो बंदों को हाजिर किया एक को छोड़ दिया, दिया आजाद कर दिया वो फिर फिर यह करने लग गया दावा करने लग गया कि मैं भी तो हयात दे रहा हूं मैं भी तो ममाद दे रहा हूँ मैं भी तो जिंदगी दे रहा हूं मैं भी तो मौत दे रहा हूँ तो मैं भी परवर हूँ जबकि हकी पर ज्यादा खुदाबंदी और इसका उसको तब पता चला जब खुद उसके सामने उसकी मौत हाजिर हो गई और फिर वो एतराफ़ करने मजबूर हो गया आलआन कि वो ये बयान करना शुरू कर दिया उसने कि मैं परवरदगा मूसा और हारून पर ईमान ला रहा हूं तो उससे पलट कर जवाब आया कि अभी आल आना अभी ईमान लेकर आ रहा तब जाके फिर को पता चला कि हगीरी रब कौन है इसी तरह जब हजरत यूसुफ जिंदान में थे तो उनके साथी को जब आज़ाद किया जा रहा था जिंदान से तो उन्होंने अपने साथी से कहा था कि जब तुम्हें अजीज़ मिस के पास जाना हुआ तुम्हारा तो वहाँ पर अजीज़ के पास अपने रब और मालिक के पास मुझे भी याद करना याद करना मेरा भी तस्करा करना ओज खोड़नी आइंदा रबिक जब अजीज़ मिस के पास जाना हसर यूसुफ ने कहा था कि जब अजीज़ मिस के पास जाना तब मेरा भी जिक्र कर लेना तब उस मौके पर ख़ुदांद मुतार कुरान मजिद में ये है कि हज़रत यूसुफ उस मौके पर शैतान की बहकावे में आ गए शैतान फ़िक्र रब उस मौके पर शैतान ने उनके दिल में अल्लाह की याद को मिटा डाला था उस वक्त वो अल्लाह की याद से गाफिल हो गए थे कि रिवायतों में है कि अगर वो उस वक्त ये ख्वाहिश और ये दरख्वास न करते उस अपने साथी से सा अपने दोस्त से तो उसी मौके पर कुछ वाक़ात के साथ उनका आज़ाद होना था और वो आज़ाद हो जाते लेकिन इस ख्वाहिश की वजह से ख़ुदा मत उनकी जेल की वाहिद। वाहिद। क्या मुतफरक मतद्द रब रखना अच्छी बात है बेहतर है या एक वाद रब को मानना जो हर चीज़ पर कादिर भी है और हर चीज़ पर काहिर भी है हम मांग के तो बस उसी से ही मांगे कौन सा बेहतर है कौन सा ज्यादा माकूल है कि हम अपनी तमाम तर ख्वाहिशात एक ही परवरदिगार की खिदमत में ले जाए जो हर चीज पर कुदरत रखता है उसी से ही मांगे हम और सिर्फ वही ही, ही रबोवियत मधुफना के लायक है इसी तरह अगला पॉइंट जो आजाद रायतल उस्मा जवादियामजल् इसायद के हवाले से बयान फरमाते हैं कि इस आयत में जो दो असमानल हसन ज़िक्र किए गए अलहमान और अलरीम ये हम की तीसरी आयत में ये और रहीम को जो जिक्र किया गया है यही असमास्सन सूरे हम की पहली आयत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की आयत में भी वहाँ पर भी तस्करा हु, हुआ था इनका तो क्या ये रिपीटेशन है क्या इन्हीं इसमासना को तकरार किया जा रहा है दोबारा क्या इसकी क्या वजह या फिर यह रहीम अलग है उस पहली वाली आयत से तो आज़ाद उस्ताद ये बयान फरमा रहे कि यहाँ पर और रहीम उस पहली वाले आ, पहली वाली आयत से मुख्तलिफ है यहाँ पर जो और रहीम को की ज़िक्र किया गया है येम मुक्द है यानि हमद खुदावंद मताल की ज़ात से मखसूस क्यों क्योंकि खुदा रमान है हम ज़ात खुदांदी से मखसूस क्यों क्योंकि खुदा रहीम है यहाँ पर परिम मुक़त है हम को ज़्यादा खुदांदी से मखसूस होने को बयान कर रहे जबकि पहली आयत में इस कस्म की क़ैद नहीं पाई जाती थी लिहाजा यहाँ पर रमान मुख्तलिफ है तीसरी आयत में उस पहली वाली आयत से जो वहाँ पर उसे बग़ैर क़ैद के बयान किया गया थारमिम इसके बाद एक दिक्कत तलब पॉइंट जो अजर उस्ताद बयान फरमा रहे वो ये कि यहाँ पर रहमान यानि वो आम रहमत जो हर चीज़ को शामिल हाल हो जाती है हर शख्स के शामिल हाल हो जाती है तो ये रहमान और ये रहमत हत्ता गज़ब को भी शामिल हो जाती है और गजब पर भी सबकत खा जाती है दुआ जोश ने कबीर का जुमला यामन सबक़त रहमत है वो खुदा जिसकी रहमत गज़ब पर भी गालिब है गज़ब से भी सबक है तो खुदावंद मुताल की रहमत गज़ब पर भी शामिल हो जाती है और इसी वजह से जब खुदावंद मुताल ने मजजूब अल का जिक्र फ़रमाया तो वहाँ पर यूँ बयान नहीं कियादीन ग़ब तल हम यानी वो लोग जिन पर तू ने खुदावंद मुताल तू ने ग़ब किया हो ना वहाँ पर इसल बयान नहीं किया गया बल्कि उसको भी इसी रहमानियत के जेल में बयान किया गया अल्लादीन मगजूब अल यानी वो लोग जो खुदावंद मताल के मज़ूब वाक़ हो गए जिन पर ख़ुदावंद मताल ने गज़ब किया गया उनका उन पर उन पर गज़ब किया गया तो वहां पर जो मकजूब अलई का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है गज़ब को भी रहमानियत के अंदर शामिल किया जा रहा है मुताल की खास रहमत मोमिन के साथ महसूस है लिहाजा ये गज़ब उस रहीमियत में शामिल नहीं और वो रहीमियत सिर्फ मखसूस है ममिन के साथ इन शुदा मताल सिद्वा के खुदा मताल हमें इन दोनों किस्मों की रहमतों से रहमानी रहमत से भी और रहीमी रहमत से भी हमें नवाजता रहे और हमें उन लोगों में से करार न दे जिन पर खुदा मुताल मताल ने गब किया और हमें खुदांद मुताल के ग़ज़ब से महफूज फरमाए आनूरफिनकम वकू